हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं अमेजिंग साइंस लैब किट की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूं। ये जो किट है स्मार्ट टीवीटी की तरफ से आ जाती है और इसके अंदर हमें तकरीबन 44 वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं। बॉक्स देख रहे होंगे, इस तरह के बॉक्स में मिली है हमें ये वाली किट। काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है आज की वीडियो। इस किट का बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस किट को खरीद भी सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमें कौन से एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर करने को मिलते हैं। तो लैब वन के अंदर यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, 8 एक्सपेरिमेंट्स हमें करने को मिलते हैं। लैब टू के अंदर 7 एक्सपेरिमेंट्स है, लैब थ्री के अंदर 5 एक्सपेरिमेंट्स है और यहाँ पर 24 एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर सकते हो इस किट को यूज करके। बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है हमें, सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। जैसे कि इस तरफ केमिकल्स एंड लिक्विड्स मिलते हैं और इस तरफ जो है लैब इक्विपमेंट्स क्या क्या मिलते हैं, सारी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। बॉक्स काफी ज्यादा कमाल का है, पैकिंग भी काफी मस्त लगी मेरे को। तो चलो फटाफट से इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन पे भी जरूर से क्लिक कर देना दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। ऊपर हमें एक पैकेट मिला है और इसके अंदर बहुत सारी बुक्स नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिखा है डियर पेरेंट्स बोलकर, शायद ये पेरेंट्स के लिए कुछ नोट होगा। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो हाँ दोस्तों, ये एक पेरेंट्स के लिए नोट है, इसको रखते हैं साइड में। तो लैब वन बोलकर यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे एसिड्स, बेसिस एंड फिजी रिएक्शन से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे। तो बुक भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी की बुक लग रही है और इसके अंदर देख रहे हो इस कितना डिटेल में सारी चीज़ें दी गई है, कौन से एक्सपेरिमेंट को किस तरह से करना है। बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बुक है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें समझाई गई है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से करना है। ये हो गई लैब नंबर वन, ये है लैब नंबर टू। इसके अंदर हमें फन विथ वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं। 17 एक्सपेरिमेंट्स है, 4 एक्सप्लोरेशंस है। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बुक्स है गाइस, वाओ अमेजिंग। तो ये है लैब नंबर थ्री, इसके अंदर हमें पॉलीमर साइंस एंड सोप मेकिंग के एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलते हैं। 9 एक्सपेरिमेंट्स है, 4 एक्सप्लोरेशंस है। तो ये बुक से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दी गई है सारी चीज़ें। तो इसको भी रखते हैं साइड में। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक और कार्ड मिला है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और कार्ड मिला है और यहाँ पे लिखा है योर चाइल्ड्स फीडबैक बोलकर। तो अच्छा, आपको इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कराना है तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसको रखते हैं साइड में। ओहो, तो यहाँ पर हमें एक मैट भी मिलता है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं इस मैट को इस तरह से रखकर इसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। इसको भी रख देते हैं साइड में। तो भी देखते हैं गाइस इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिली है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा खचाखच भरा हुआ है बहुत सारी चीज़ों से, एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं गाइस फटाफट से। तो पहला यहाँ पर हमें मिला है एक पाउच, यहाँ पे लिखा है पाउच नंबर वन बोलकर। तो इसके अंदर हमें सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, बटरफ्लाई पी पाउडर, कैंडल और 3 बैलून्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है इन लोगों ने। इसको रखते हैं साइड में। दूसरा पाउच भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे पाउच के अंदर हमें मिलते हैं सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, 4 बोट्स, 4 क्लिप्स, 4x पेपर स्ट्रिप्स और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं यार यहाँ पर। तो इसको भी निकाल के दिखाता हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इन लोगों ने सारी चीज़ें दी हुई है गाइस, देख रहे हो कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसको भी रखते हैं अपन साइड में और यहाँ पे ले लेते हैं पाउच नंबर 3। यहाँ पे लिखा है कलरफुल बीड्स है, इसके अंदर ग्लिसरिन फ्लेक्स है, सोडियम पॉलीक्रिलेट पाउडर भी दिया गया है इसके अंदर। तो ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल चीज़ें दी गई है इसके अंदर, जैसे कि देख रहे हो बीड्स है और ये कुछ सोडियम पॉलीक्रिलेट पाउडर है और यहाँ पे ग्लिसरिन फ्लेक्स। सोप से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ये चीज़ बहुत ही काम में आती है, इसको भी रखते हैं साइड में। तो यहाँ पर कुछ बॉटल्स मिली हमें, देखते हैं ये कौन सी बॉटल्स है गाइस। तो यहाँ पर तकरीबन हमें 5 बॉटल्स मिली है। तो इसके अंदर है ब्लू कलर, इसके अंदर है लिक्विड सोप, इसके अंदर है रेड कलर, ये है येलो कलर और ये है परफ्यूम। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर मिला है एक सिरेंज, 2 टेस्ट ट्यूब्स मिली है, प्लास्टिक की है पूरी तरीके से, एक छोटा सा स्पून मिला है
एक स्टिरर है और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। इतनी सारी चीजें मैंने आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंट किट में नहीं देखी यार। तो यहाँ पर हमें 5 कप्स मिलते हैं और इन कप्स की क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की है, पूरी तरीके से प्लास्टिक के कप्स हैं। और यहाँ पे मिला है हमें एक माउल्ड, और यहाँ पर मिला है एक बीकर, और यहाँ पर हमें मिले हैं 2 कंटेनर्स, एक बड़ा कंटेनर है, इसके अंदर एक छोटा कंटेनर है। तो चलो दोस्तों अभी ट्राई करते हैं हम लोग थोड़े से एक्सपेरिमेंट, देखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, लेट्स गो। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर 3 बुक्स मिली थी, Lab 1, Lab 2, Lab 3 बोलकर, तो तीनों में से एक एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो पहले करते हैं Lab 1 के अंदर से एक एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का नंबर है 06। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगती है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जैसे कि हमें लेना है पाउच नंबर 1, और बॉक्स के अंदर से क्या क्या चीज़ें लेनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे ले लिया है मैंने पाउच नंबर 1, इसके अंदर की सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर देख रहे हो बुक भी मैंने ले ली है, इसके अंदर देख कर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो एक कप ले लिया है मैंने, कप के अंदर मैं रखूँगा कैंडल, ये रख दिया, और इस कैंडल को जलाते हैं पहले। यहाँ पे लेते हैं सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, अभी यहाँ पर हमारे पास है एक बीकर, तो पहले हम लोग लेंगे बेकिंग सोडा 2 स्पून, अभी लेंगे सिट्रिक एसिड 2 स्पून, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा रेड कलर, और इसके अंदर डालेंगे गाइस थोड़ा सा वाटर। तो यहां पर जो है गाइस इसके अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड बनना चालू हो चुकी है, अभी देखना गाइस यहां पर कमाल, देख रहे हो गाइस, जस्ट मैंने इसको सामने रखा है गाइस, ये जो चीज है अचानक से बुझ चुकी है। मैं आपको एक और बार बताता हूं, अभी देखो गाइस आप लोग एक और बार देख रहे हो। तो दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट है किस तरह से काम करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, यहां पर आप सारी चीजें पढ़ सकते हो चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके। तो यह है Lab 2, इसके अंदर से मैं करने वाला हूं Experiment 7। एक्सपेरिमेंट का नाम है विच कलर्स इज द ब्लैक इंक मेड अप ऑफ, यानी कि ब्लैक कलर की जो इंक होती है कितने कलर्स मिलाने के बाद ब्लैक कलर्स मिलता है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट के पीछे का साइंस क्या है यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो। तो चलो करते हैं एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट। तो Lab 2 का Experiment 7 है ये, पहले लेते हैं Pouch 2 के अंदर से फिल्टर पेपर और एक मार्कर, और हम लोगों को चाहिए ये 4 क्लिप्स है इसके अंदर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ब्लैक कलर जो है कितने कलर्स मिलाने के बाद ब्लैक कलर बनता है। तो भाई फिल्टर पेपर पर मैंने यहाँ तक जो है ब्लैक कलर लगा दिया है, क्लिप जो है इस कप के अंदर लगाएंगे इस तरह से, और इन दोनों के बीच में रखेंगे ये वाला पेपर। अभी हम लोग इसके अंदर फिल करेंगे वाटर, सिरेंज में मैंने ले लिया है वाटर। तो ये जो वाटर है इसके कॉर्नर तक टच होना चाहिए। ओके, वाटर जो है हमारे पेपर के कॉर्नर पर लग चुका है। तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के लिए हमको 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है गाइस, देखते हैं अभी इसके अंदर कितने कलर्स उभर कर आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारा एक्सपेरिमेंट, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर जस्ट हमने ब्लैक कलर लगाया था, ब्लैक कलर लगाने के बाद देख रहे हो इतने सारे कलर के बैंड्स बन चुके हैं यहाँ पर। तो ब्लैक कलर जो है इतने कलर्स को मिलाने के बाद जो है ब्लैक कलर बनता है। इस तरह के जो है मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये एक है, और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये देख रहे हो गाइस इसके अंदर जो है कलर्स काफी बढ़िया तरीके से नजर आ रहे हैं। तो भी करते हैं Lab 3 के अंदर से एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ Experiment 2। एक्सपेरिमेंट का नाम है व्हाट आर डायपर्स मेड अप ऑफ,
काफी कमाल का एक्सपेरिमेंट है गाइस, तो चलो एक्सपेरिमेंट को करते हैं स्टार्ट। पाउच नंबर 3 के अंदर से सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो हमको इसके अंदर से लेना है सोडियम पॉलीएक्रिलेट पाउडर, यहाँ पर 5 कप्स है, 5 कप्स के अंदर 50 ml ऑफ वाटर है। तो इसके अंदर हम लोग अभी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिक्स करेंगे। फर्स्ट कप में रेड कलर डालेंगे 2 ड्रॉप्स, सेकंड कप में डालेंगे 1 ड्रॉप रेड कलर, 1 ड्रॉप येलो कलर, थर्ड कप में डालेंगे 2 ड्रॉप येलो कलर, फोर्थ कप में डालेंगे 1 ड्रॉप ब्लू, 1 ड्रॉप येलो, फिफ्थ कप में डालेंगे 2 ड्रॉप ब्लू। तो अभी इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे गाइस, ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो भी सारे कप्स के अंदर हम लोग मिक्स करेंगे पॉली एक्रेलेट पाउडर, एक एक स्पून डालते जाना है गाइस, एक स्पून। तो यहां पर हम लोग वेट करेंगे 2 मिनट्स। दोस्तों जैसे कि यहां पर देख सकते हो 2 मिनट्स हो चुके हैं। अभी ये जो वाटर के अंदर हम लोगों ने सोडियम पॉली एक्रेलेट मिलाया था, देख रहे हो गाइस, ये पूरी तरीके से जम चुका है। ये देखो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो, ये एक सुपर एब्जॉर्बेंट पाउडर है गाइस। तो इस तरह का जो पाउडर है छोटे बच्चों के डायपर में यूज किया जाता है। देखो गाइस, 50 ml वाटर के अंदर जस्ट मैंने एक स्पून मिलाया था, उस स्पून की क्वांटिटी बहुत ही कम थी यार, बस एक चुटकी भर समझो आप। तो आप सोचो गाइस, ये जो पाउडर है कितना ज्यादा सुपर एब्जॉर्बेंट है, एकदम कमाल की चीज लगी गाइस मेरे को ये। तो माय डियर दोस्तों, ये जो साइंस एक्सपेरिमेंट किट है इतनी ज्यादा कमाल की है। दोस्तों आपको पता ही होगा, मैंने आज तक बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट किट की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग की है। तो दोस्तों इतने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने आज तक कोई भी किट के अंदर नहीं देखे हैं। ये जो किट है मेरे को काफी ज्यादा कमाल की लगी। अगर आप ये किट खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो अमेजिंग साइंस लैब किट को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, अभी मैं दे देता हूँ शॉर्ट आउट। दोस्तों आज देखते हैं किसको किसको मिलेगा शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है रुद्रा, सात्विक, मनाश सिंह, संदीप, साकिब, कार्तिकेया, मिथुन, अभिषेक, शुभम, आर्घा, देवनाथ। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार साइंस एक्सपेरिमेंट किट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।